अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम अवान और आप लोग देख रहे हैं वसीम अवान टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जिन औरतों का नाम से, सीन, शीन और स्वाद से शुरू होता है, इनका बुर्ज, सितारा और मिजाज कैसा होता है। नाज़रीन, हमारे माशरे में ऐसी औरतें जिनका नाम से, सीन, शीन और स्वाद से शुरू होता है, इन औरतों का बुर्ज दिल्लू है, सितारा इनका जहल है, जिसको इंग्लिश में सेंजर कहते हैं। इन नामों वाली औरतें जाज़ब नज़र, बामुरवत और कामरान होती हैं। इन पर बाज़ दफ़ा तोहमत और बुतान लग जाता है, पर इज्जत में फ़र्क नहीं आता, क्योंकि ये दिल की अच्छी होती हैं और किरदार की भी बिल्कुल साफ़ होती हैं। इनकी उम्र अच्छी तरह कटती है, अलबत्त दरमियान में कुछ वक्त परेशानी और आजमाइशों का भी आता है। इनको वालदैन से बहुत मोहब्बत होती है, पर बाज़ औरतों के साथ भाई बहन अच्छा नहीं करते। हालांकि ये बहन भाइयों के साथ सही तरह से वफा करती हैं, शौहर इनको अच्छे मिलते हैं, उम्र भी इनकी तकरीबन तवील होती है। इन नामों वाली औरतों में कुछ बहुत गुस्से वाली होती हैं, इनसे बात अगर गोल मटोल करके और दाएं बाएं करके की जाए तो इनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ऐसी औरतों को साफ साफ और सीधी बातें सुनना और सीधी और आसान अल्फाज में बातें करना अच्छा लगता है। इनका दिमाग, ज़हानत और नज़र इतनी तेज़ होती है कि जो आदमी इनसे बात करना शुरू ही करता है तो इनको इस बात की समझ आ जाती है कि ये क्या कहना चाहता है और इसके पीछे इसका मकसद क्या है। इन नामों वाली औरतें बाअदब होती हैं, बुज़ुर्गों का बहुत लिहाज करती हैं। इनके सीने पर तिल का निशान या कोई ना कोई और निशान अमूमन पाया जाता है। ऐसी औरतें दिल की बहुत साफ़ होती हैं, लेकिन इनमें से बाज़ औरतें ज़बान की थोड़ी कड़वी होती हैं। नाज़रीन, ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये कोई इल्मे गैब नहीं है। इल्मे गैब अल्लाह ताला की ज़ात के पास है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के पास है। ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये एक अंदाज़ा होता है, एक मुशाहिदा होता है, एक रिसर्च होती है, जो हमारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट नाम के अल्फाज के हिसाब से एक मुशाहिदा करते हैं। आपकी शख्सियत के मुताबिक हमारा मुशाहिदा कितने परसेंट सही है और कितने परसेंट गलत है, प्लीज़ हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर आल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की और वीडियो जो भी बनाएं वो आपको मिलती रहें। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया।